उत्तराखंड के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता और पूर्व भाजपा नेता विनोद आर्य के खिलाफ उनके ड्राइवर ने कुकर्म का मामला दर्ज कराया है। ड्राइवर ने यह आरोप लगाया है कि विनोद आर्य ने उनके साथ मारपीट की और धमकी दी कि अगर वो ये बात किसी को बताएंगे तो वो उन्हें जान से मार देंगे। ड्राइवर की शिकायत पर 13 दिसंबर को हरिद्वार के ज्वालापुर पुलिस स्टेशन में विनोद आर्य के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। शिकायत के आधार पर पूर्व बीजेपी नेता पर आईपीसी की धारा 370, 307, 323 और 506 के तहत धाराओं में केस दर्ज किया गया है। अगर इन धाराओं की बात करें तो 370 मतलब अप्राकृतिक कृत्य, 307 का मतलब मर्डर की कोशिश, 323 जानबूझकर नुकसान पहुंचाना और 506 आपराधिक धमकी देना है। शिकायत के मुताबिक ड्राइवर ने बताया कि पूर्व बीजेपी नेता उससे अक्सर पैर दबाने को कहा करते थे। एक रात जब वो उनके पैर दबा रहा था तो आर्य ने उसके साथ अप्राकृतिक सेक्स करने की कोशिश की। इसी के बाद ड्राइवर ने किसी तरह खुद को बचाया और छुटमलपुर भाग गया जहां वो रहता है। हाल ही में बाइक सवार एक शख्स ने ड्राइवर को टक्कर मार दी, इसके बाद उसे अपनी जान का खतरा सताने लगा। आपको बता दें कि ये ड्राइवर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का रहने वाला है। उसने विनोद आर्य पर गलत तरीके से छूने और जबरदस्ती अप्राकृतिक संबंध बनाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और उसने अपनी जान जोखिम में होने का हवाला देकर विनोद आर्य के खिलाफ तुरंत कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य पर भी अंकिता हत्याकांड का केस चल रहा है। ऋषिकेश के वनंतारा रिजॉर्ट में अंकिता रिसेप्शनिस्ट के तौर पर काम करती थी। ये रिजॉर्ट पुलकित का था। पुलकित ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर 18 सितंबर को अंकिता की हत्या कर दी थी। इस मामले में तीनों आरोपी फिलहाल जेल में हैं। अंकिता भंडारी महज 19 साल की थी। बीते 28 अगस्त को ऋषिकेश के वनंतारा रिजॉर्ट में बतौर उसने रिसेप्शन पर काम करना शुरू किया। 21 सितंबर की सुबह अंकिता की डेड बॉडी एक नहर में मिली। इसके बाद अंकिता के कुछ चैट भी वायरल हुए। इनमें अंकिता ने अपने दोस्तों को बताया था कि उस पर रिजॉर्ट में आने वाले वीआईपी गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। उसके साथ जबरदस्ती की गई और प्रोस्टिट्यूट बनने के लिए 10,000 रुपए का लालच भी दिया गया। जब अंकिता ने पुलकित को ये सब करने से मना किया तब उसने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकिता की हत्या कर दी थी।